अगर अभी चुनाव हो तो अगले चार दिनों तक चलने वाला हमारा ये खास चुनावी कार्यक्रम है। आज आप देखेंगे कि महाराष्ट्र और दिल्ली का क्या हाल है, मंगलवार को हम तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, बुधवार को बिहार और उत्तर प्रदेश की जनता की राय बताएंगे, गुरुवार को दिखाएंगे कि आखिर केंद्र में किसकी सरकार बनने की संभावना है। जनता की इस राय शुमारी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान सीएसडीएस के डायरेक्टर प्रोफेसर संजय कुमार। सीएसडीएस ने ही आईबीएन 7 के लिए पहले सर्वे किया था। सीएसडीएस देश की सबसे विश्वसनीय सर्वे एजेंसियों में से एक है। आपने अभी देखा कि कई सारे सर्वे एजेंसियां जो थी वो एक प्रकार के स्टिंग में फंस गई, लेकिन हम गुमान के साथ कह सकते हैं कि न सिर्फ सीएसडीएस के साथ जो हम सर्वे करते हैं वो एक्यूरेट होता है बल्कि बहुत ईमानदारी के साथ हम करते हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार परंजय गुहा ठाकुरता, सियासी नब्ज पर खासी पकड़ रखते हैं। आइए सबसे पहले हम आपको बताएं कि आगे क्या होने जा रहा है। विनोद जी, जनवरी में सर्वे कराया था, फरवरी में हम लेकर के आ रहे हैं, एक महीने में कितना मूड बदलेगा? देखिए, मूड तो हर रोज बदल रहा है इस वक्त। एक एक छोटी छोटी हरकत पर, छोटी छोटी चीज पर लोगों की निगाहें हैं और काफी हद तक इसका जिम्मा हम टेलीविजन को दे सकते हैं। किसने आज सुबह यूपी में क्या कहा, कल क्या कहा, अगर आप उन्हीं लोगों के पास जाएं जहां पर आपने जनवरी में ट्रैकर किया था, और शायद हमारे सर्वे की ही खासियत है कि हम वहीं उन्हीं लोगों के पास जाते हैं कि दिसंबर में जिनके पास गए, जनवरी में उन्हीं के पास गए, फरवरी में फिर उन्हीं के पास गए, तो पता चलता है कि हर हफ्ते हर महीने राय बदल रही है, तस्वीर बदल रही है। बिल्कुल, आईबीएन 7 के लिए सीएसडीएस ने वैज्ञानिक पद्धति से जनता की यह राय ली है। पूरी प्रक्रिया के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, हमारी सहयोगी नवजोत के पास चलते हैं। अगर अभी चुनाव होते हैं तो क्या होगा, सर्वे हमने करवाया और किस तरीके से ये सर्वे करवाया गया, आइए उस पर एक नजर डाल लेते हैं। हम आपको बताते हैं कि कैसे ये सर्वे हमने करवाया। 17 से 23 फरवरी 2014 के बीच में ये सर्वे करवाया गया। 6 राज्य थे जिनमें लोगों की राय हमने जानने की कोशिश की, जिनमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र, यहाँ पे हमने अलग अलग लोगों की राय जानने की कोशिश की, जहां पर कुल 138 लोकसभा सीटें हैं, 148 विधानसभा सीटें हैं, 512 पोलिंग स्टेशन हैं और 9104 लोगों से हमने टोटल इस सर्वे के बारे में बातचीत की। शहरी वोटरों की तादाद अगर इसमें देखें तो 10% थी जिनसे बातचीत हुई, 42.2% महिलाओं से बातचीत की गई। इसके अलावा मुस्लिम वोटर 13.9%, अनुसूचित जाति 17.6%, अनुसूचित जनजाति 4% जिनसे बातचीत की गई और उनकी राय लेने की कोशिश की गई। किस किस राज्य में कितने लोगों से हमने बात की वो भी हम आपको बता देते हैं। हमने आंध्र प्रदेश में 1316 लोगों से बातचीत की, तमिलनाडु में हमने 1029 लोगों से बातचीत की इस सर्वे के बारे में, राय उनकी लेनी चाहिए 1458 लोगों से हमने बिहार में बातचीत की, उत्तर प्रदेश में हमने 2860 लोगों से उनकी राय जाननी चाहिए, दिल्ली में 9085 लोगों की राय ली गई, महाराष्ट्र में 1456 लोगों की राय ली गई। तो अलग अलग राज्य में ये तमाम वो लोग थे जिनकी राय इस सर्वे में ली गई है, तो इस तरीके से सर्वे करवाया गया। संजय जी, एक छोटा सा कमेंट इस पर, एक्यूरेसी पर और एक महीने के फर्क पर। देखिए, पहले भी जिस तरह के सीएसडीएस के सर्वे होते रहे, सबसे खास बात यह है कि हमारा सैंपल बहुत रिप्रेजेंटेटिव होता है जिस यूनिवर्स की आप बात करते हैं। जैसे दिल्ली के मतदाताओं का अगर सर्वेक्षण है तो हमारे सैंपल में, वो 1000 का सैंपल 1100 का सैंपल हो, उसमें भी उसी अनुपात में हमारे मतदाता सर्वे में आएंगे जिस अनुपात में वो दिल्ली के मतदाताओं के बीच में है। पुरुष, महिला, इसमें दलित हो, मुसलमान हो, तो जिस अनुपात में वो दिल्ली के मतदाताओं के बीच है, हमारे सर्वे में सैंपल में भी उसी अनुपात में आते हैं। ये हमारे सर्वे की बड़ी खासियत है, ये एक वास्तविक आईना। बिल्कुल, हम कार्यक्रम की आज शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। फिलहाल यहां कांग्रेस एनसीपी गठजोड़ का शासन है, पिछले 3 बार से विधानसभा पर इसी गठजोड़ का कब्जा रहा है, महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों में भी इसी गठजोड़ का वर्चस्व है। क्या इस बड़े और संपन्न राज्य में इस बार भी यही होगा या परिस्थितियां बदलेगी, देखते हैं महाराष्ट्र की जनता की क्या राय है। आइए पहले एक नजर डालते हैं कि आखिर महाराष्ट्र क्यों महत्वपूर्ण है। हम जिन 6 राज्यों को ले रहे हैं वो स्विंग स्टेट हैं, यहां आर पार की लड़ाई, जो पूरे देश का जनादेश आएगा उसका मूड यहां से पता लगता है। ये उत्तर प्रदेश के बाद 48 सीटों के साथ सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य है। यहां यूपीए और एनडीए दोनों के गठबंधन तमाम विवादों के बावजूद बरकरार है।
कांग्रेस के सहयोगी एनसीपी और बीजेपी के सहयोगी शिवसेना के प्रदर्शन से तस्वीर में बड़ा फेरबदल हो सकता है। यही नहीं, महाराष्ट्र में कांग्रेस का प्रदर्शन उसका भविष्य भी तय कर सकता है। आइए अब चर्चा शुरू करते हैं, कौन बने प्रधानमंत्री? जब ये सवाल हमने लोगों से पूछा तो लोगों ने क्या कहा, देखते हैं उनकी राय। नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी जनवरी के मुकाबले गिरी है, लेकिन वो आगे हैं। महाराष्ट्र में 31% का पॉपुलर सपोर्ट उनको वहां मिलता हुआ दिखता है। राहुल और सोनिया की पॉपुलैरिटी में थोड़ा सा इजाफा आप होते हुए देखेंगे। जैसा संजय जी अभी हमको बता रहे थे कि एक महीने के दरमियान अगर सरकार के खिलाफ कोई बहुत बड़ा माहौल नहीं है तो कभी कभी इस प्रकार के नतीजे आ सकते हैं। केजरीवाल 4% पर कायम है, जनवरी में भी वही राय थी, फरवरी में भी वही राय है। अगला सवाल हमने पूछा था कि महाराष्ट्र के लोग आखिर किस आधार पर वोट करेंगे, क्या है लोगों की राय। स्थानीय उम्मीदवार को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, तो हम जो कह रहे हैं क्या ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बन गया है, हम जो कह रहे हैं क्या ये देश के एक बड़े नेता को देख करके वोट पड़ेगा, ज्यादातर लोग मानते हैं कि नहीं, वो लोकल कैंडिडेट को देख करके तय करेंगे कि किस पार्टी को वो सपोर्ट करें। क्या लोग महाराष्ट्र के सरकार में, सरकार जो है राज्य सरकार, उसके कामकाज से खुश हैं? यहां पर संतुष्ट होने वालों की संख्या इस वक्त 45 है, जो पहले से बढ़ी है। असंतुष्टों की संख्या, जो संतुष्ट नहीं है, वो 50% है। मेजॉरिटी असंतुष्ट है, लेकिन जो संतुष्ट लोग हैं उनकी तादाद एक महीने के दरमियान बढ़ी है। ये एक फैक्टर है, कितना महत्वपूर्ण है ये तो हम अभी नहीं कह सकते। आइए चर्चा शुरू करते हैं। परंजयदा, अभी तक आपने कुछ आंकड़े देखे, आपका पहला कमेंट महाराष्ट्र के बारे में। देखिए, महाराष्ट्र में आप जानते हैं 5 साल पहले 2009 में 48 आज में कांग्रेस को 17 मिला था, एनसीपी को 18 मिला था, और शिवसेना उस समय एक था 11, और भारतीय जनता पार्टी 9, अन्यान्य और निर्दलीय 3 थे। महाराष्ट्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, मगर एक तरह से जो सत्ता विरोधी जो एक माहौल हम देख रहे हैं दिल्ली में और पूरा भारतवर्ष में, उनका असर तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में देखिए मुख्यमंत्री भी बदल गए थे। तो मेरा ख्याल है इस बार कांग्रेस और एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, दोनों का कमजोर होने का संभावना है, मगर ये कहना मुश्किल है कितना कमजोर होंगे, क्योंकि शिवसेना के बीच भी अभी देखिए जो दो भाग हो गए। अब अभी अभी आप खबर सुना कि नितिन गडकरी जी आज ये एक एमएनएस की जो नेता है उनसे मिल लिया, कुछ दिन पहले राज ठाकरे जी से इनका बात हो रहे थे। उद्धव राज के बीच जो झगड़ा चल रहा है, शायद हमारे जो आपका मेहमान आए हैं और भी महाराष्ट्र से हमसे ज्यादा इसके ऊपर जानकारी है उनके ऊपर। और देखिए एक तरह से शरद पवार जी का भी छवि इतना, मैं समझता हूँ, कमजोर हो गए, इतना बेहतर नहीं है। क्यों, मैं दो कारण दिखाता हूँ जी। देखिए ये जो 5 साल पहले हमने चीनी आयात किया फिर निर्यात किया, हमने प्याज निर्यात किया फिर आयात किया जी, और ये दोनों चीज जो महाराष्ट्र में ज्यादा होते हैं, चीनी और प्याज का कीमत काफी बढ़ गया था, अभी कम हो गया मगर बढ़ तो काफी गया था। बिल्कुल, और पूरा समय हमारा कृषि मंत्री थे शरद पवार जी। कुमार केतकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार केतकर एक बहुत बुलंद आवाज हैं, अपनी निष्पक्षता के लिए मशहूर हैं, और बहुत दफे इन्होंने इसकी कीमत भी चुकाई है। कुमार साहब, मैं जानना चाहता हूं कि जो हमारा सर्वे है वो ये कह रहा है कि सिर्फ 12% लोग पीएम उम्मीदवार के नाम पर वोट देंगे, बाकी स्थानीय जो प्रत्याशी है उसके नाम पर देंगे। पूरे देश में चर्चा चल रही है, या फिर सिर्फ टेलीविजन न्यूज चैनल्स में चल रही होगी या अखबारों में चल रही होगी, कि सारा चुनाव जो है वो प्रधानमंत्री की कुर्सी के इर्द-गिर्द केंद्रित है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। क्या नरेंद्र मोदी बनेंगे, राहुल गांधी बनेंगे, केजरीवाल का नाम भी आ गया। सिर्फ महाराष्ट्र में ऐसा हमें क्यों दिख रहा है, हमारा सर्वे क्यों दिखा रहा है कि सिर्फ 12% लोग हैं जो पीएम उम्मीदवार के नाम पर वोट देंगे, जबकि 43% लोग स्थानीय उम्मीदवार के नाम पर वोट देंगे। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि महाराष्ट्र में बहुत सारा नेटवर्क जो बना हुआ है वो पॉलिटिशियन के माध्यम से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, शुगर कोऑपरेटिव फैक्ट्रीज,
ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है और वो इंस्टीट्यूशन के साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं, और वो जो जुड़े हुए लोग हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो खुश है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सरकार के ऊपर खुश है या वो मैनेजमेंट के ऊपर खुश है, लेकिन उनका जो एक हित संबंध है वो संस्था के साथ है। और शिवसेना और बीजेपी की ऐसी संस्थाएं बहुत कम है, बहुत ही कम है, मतलब शिवसेना की तो कोई संस्था ही नहीं है। अभी शिवसेना को 67 बरस हो गए, 67 ईयर्स, लेकिन शिवसेना की कोई संस्था महाराष्ट्र में नहीं है। जैसे कि कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन हो, कोऑपरेटिव फैक्ट्री हो, बैंक हो, या खरीदी विक्री संघ हो, फार्मर्स की ऑर्गेनाइजेशन हो, ऐसे बहुत सारी संगठनाएं कांग्रेस और एनसीपी और कोई पीडब्ल्यूपी पार्टी के माध्यम से आई है। तो ये स्थानीय उम्मीदवार वहां से आता है, इसके लिए वो लोग कहेंगे कि स्थानीय को देंगे वोट। बिल्कुल। सुरजीत भल्ला साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तो सर डेटा के पीछे जो चीजें देखते हैं उसमें बड़ी पॉलिटिकल कमेंट्री छुपी होती है जो हम आपको पढ़ करके समझने की कोशिश करते हैं। जनवरी और फरवरी में एक चेंज है, वो ये है कि बीजेपी का वोट थोड़ा सा गिरता हुआ दिख रहा है, शिवसेना का बढ़ता हुआ दिख रहा है, मनसे का बढ़ता हुआ दिख रहा है। जनवरी में हमने देखा था कि आप फैक्टर के कारण शायद मनसे को नहीं मिल रहा है और आप फैक्टर थोड़ा सा वहां चल रहा है, 4-5% वोट आ रहे हैं। इस प्रकार के जो महीने महीने के बेसिस पे चेंज होते हैं, इस पर से अगर हम ये निष्कर्ष निकालें कि इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी एनडीए की पॉपुलैरिटी थोड़ी नीचे हुई है, कांग्रेस थोड़ा ग्राउंड कवर कर रही है, शिवसेना स्ट्रांग हो रही है, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसका यही एक्सप्लेनेशन यही है कि कोई खास फर्क नहीं है, क्योंकि अगर आप जोड़े शिवसेना और बीजेपी साथ में है, एनसीपी और कांग्रेस साथ में है, तो इनके बीच में ऊपर नीचे जो हो रहा है उसमें पूरी सीट एलोकेशन में, सीट विक्ट्री में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मेरे। तो ये जो अभी ट्रांजिट, खासकर अगर आप ये आपका देखें तो इस पे मेरे को हैरानी हुई है कि इनको सिर्फ 4-5% मिला है। हमने सोचा था शायद मुंबई में दिल्ली के इलेक्शन के बाद, चुनाव के बाद कुछ फर्क हो गया होगा, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई होगी। तो इनमें से अगर मैं देखूं इन स्टेटिस्टिक्स से, तो आपकी ये कहानी निकल रही है कि मेरे को हैरानगी है कि इनकी कोई बढ़ाई नहीं हुई है। संजय जी, नहीं, अगर ये जो वोट एस्टिमेट की हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है इसमें बड़ी स्टोरी ये है कि महाराष्ट्र में भी जहां बीजेपी का गठबंधन शिवसेना के साथ है और कांग्रेस का गठबंधन एनसीपी के साथ है, इंटरनली अगर देखें तो दोनों जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका वोट गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है और दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के लिए वोट कंसोलिडेट हो रहा है। तो मुझे लगता है और राज्यों में भी हमने देखा है कि कई ऐसा लगता है इस बार कई सालों के बाद एक ऐसा चुनाव होने वाला है जहां एक स्प्लिट वोटिंग है। लोकसभा के लिए लोग राष्ट्रीय पार्टी की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और जो दो राष्ट्रीय पार्टियां अभी हमारे पास हैं, जो वोटरों के पास जो विकल्प है, बीजेपी और कांग्रेस, निश्चित रूप से कांग्रेस की साख गिरी हुई है, उनको वोट कम मिल रहे और बीजेपी की तरफ कंसोलिडेशन दिखाई पड़ रहा है कई राज्यों में, जो महाराष्ट्र में भी दिखता है। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप कह रहे कि जो स्थानीय मुद्दा और स्थानीय प्रार्थी, इसमें कुछ फर्क है कि आपका जो इश्यूज है, जो मुद्दा है, हम समझ रहे हैं ये पूरा एक भारतवर्ष का कुछ, जैसे महंगाई बोलिए, भ्रष्टाचार बोलिए, फिर भी आपका जो लोकल कैंडिडेट्स है इसके ऊपर भी निर्भर करते हैं। तो इश्यूज वर्सेस कैंडिडेट्स, इसके बारे में शायद आप कुछ देखिए, अगर इश्यूज की भी अगर हम बात करें तो पिछले कई चुनावों को, जैसा मेरी अपनी समझ है चुनाव के बारे में, पिछले कई चुनाव ऐसे रहे जहां लोकल मुद्दे हावी रहे, कंस्टिट्यूएंसी वाइज कंस्टिट्यूएंसी, ये फिर एक ऐसा चुनाव होने वाला जहां पे सचमुच एक राष्ट्रीय मुद्दा, दो राष्ट्रीय मुद्दे उभर के सामने आए हैं, महंगाई का मुद्दा और भ्रष्टाचार का मुद्दा। जहां तक ये सवाल है जो हमने पूछा कि वोट देने किस बात पर निर्भर करेगा, और लोग कह रहे हैं लोकल कैंडिडेट, लोकल कैंडिडेट कहने का अर्थ इसीलिए भी है क्योंकि अभी कैंडिडेट की पहचान नहीं है, लोग जानते नहीं है कैंडिडेट कौन है, तो थोड़े से लोग असमंजस में है और ये कहते हैं भाई जब कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाए तब देखेंगे, कैंडिडेट पे हमारा वोट निर्भर करेगा। जैसे ही कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएंगे, चुनाव दर चुनाव जो हमने सर्वेक्षण किए हैं, जो हम पोस्ट पोल कहते हैं चुनाव के बाद, हमने अभी भी देखा है कि ज्यादातर संख्या में लोग पार्टी को वोट देते हैं, कैंडिडेट को देख के वोट नहीं देते। लेकिन संजय जी, मैं पूछ सकता हूं उनसे एक सवाल इसके लिए कि भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, समझो कि भ्रष्टाचार एक मुद्दा है जिसके ऊपर लोग वोट करने वाले हैं, तो मुंबई में कोई भी नहीं कह सकता कि शिवसेना भ्रष्टाचारी नहीं है। शिवसेना 20 बरस राज में है और मुंबई की लैंड प्राइजेस, फ्लैट प्राइजेस, उसके एलोकेशन, लैंड एलोकेशन, ये सब म्यूनिसिपालिटी के क्लियरेंस से होता नहीं है, वो क्लियरेंस चाहिए, और वो क्लियरेंस में कितना पैसा जाता है शिवसेना के ट्रेजरी में या डिक्लेयर ट्रेजरी में और अनडिक्लेयर ट्रेजरी में, तो भ्रष्टाचार का मुद्दा है।
तो मैं कांग्रेस के खिलाफ करूंगा क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, एनसीपी के खिलाफ करूंगा क्योंकि एनसीपी भ्रष्टाचारी है। तो शिवसेना क्या सेंट लोगों की पार्टी है क्या? और बीजेपी क्या सेंट लोगों की पार्टी है? उनका भ्रष्टाचार बंबई में हर एक आदमी जानता है। ये केतकर साहब, संजय, हर एक आदमी जानता है। इसी चर्चा के लिए ये बहुत रेलेवेंट होगा कि हम ये एक नंबर और देखें। केतकर साहब, आप बहुत सवाल इसके लिए था कि भ्रष्टाचार ये मुद्दा होगा ना, तो मैं कहूंगा कि वो नोटा जो है ना उसके ऊपर वोट ज्यादा आना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, अगर भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है तो कौन सा मुद्दा है? उसके पहले देखते हैं कि यूपीए 2 के बारे में लेटेस्ट मूड महाराष्ट्र का क्या है। देखिए, जो इनका सवाल था परंजय का, वो ये था कि मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण है या प्रत्याशी महत्वपूर्ण है। अगर भ्रष्टाचार मुद्दा है, हर एक के भ्रष्टाचार अलग अलग है, लेकिन हर भ्रष्टाचारी है पार्टी, और प्रत्याशी की छवि सही है, तो वहां पर क्या प्रत्याशी को फायदा नहीं होगा? प्रत्याशी और भ्रष्टाचार, ये दो मुद्दे रहेंगे, और प्रत्याशी की प्रतिमा भी भ्रष्टाचारी होगी तो शायद लोग कहेंगे। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, एक सेकंड आपको इंटरप्ट करूंगा, एक डेटा देखते हैं, फिर इस पर आप लोग जो कहना हो कहिएगा। क्या केंद्र में यूपीए सरकार को एक मौका और दिया जाए? इस सवाल पर महाराष्ट्र के लोगों की राय को देख लेना चाहिए हमको। 25% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कह रहे हैं कि हाँ, इनको मौका मिल सकता है। नहीं मौका देना चाहते हैं 57% लोग। मेजोरिटी से ज्यादा लोग कहते हैं कि दोबारा मौका, यूपीए 2 को तीसरा मौका नहीं मिलना चाहिए। ये वहां की राय निकल करके आ रही है। केतकर साहब, आपसे मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आगे क्या होगा ये समझने की कोशिश करें, फिर आपको जो भी कहना हो। कांग्रेस और एनसीपी के संबंध तो बहुत खराब रहे हैं, फिर भी अलायंस पका हुआ है। बीच में चर्चा चली थी कि पवार साहब छोड़ सकते हैं। इस वक्त की लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट इस रिश्ते के बारे में क्या है? पवार साहब छोड़ रहे, ये चर्चा आज की नहीं है, ये चर्चा 10 या 15 वर्ष चल रही है, जब से उनकी पार्टी बनी तभी से चल रही है। 1999 में उनकी पार्टी बनी जून में, और 99 नवंबर में चर्चा यह चल रही थी कि कांग्रेस और एनसीपी साथ में आ सकते हैं क्या, आ गए, तो तभी से यह चर्चा है। उससे चर्चा में कोई फर्क नहीं पड़ा है। मुद्दा यह है कि कांग्रेस और एनसीपी के राज के बारे में अभी पीपल आर टायर्ड, पीपल आर फेड अप, पीपल आर फटीग। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ करप्शन एंड महंगाई अलोन, पीपल आर जस्ट फेड अप। देखिए, अगर मैं एक मिनट सर, यही सवाल आपके पास लेके आऊंगा। महाराष्ट्र में अगर कहीं भी, केतकर साहब कह रहे हैं भ्रष्टाचार अगर मुद्दा है तो शिवसेना को भी वो पनिशमेंट क्यों नहीं, महंगाई मुद्दा है तो सबका हाथ उसमें रहता है, फिर यूपीए के खिलाफ ये मूड क्यों है? देखिए, एक तो सब कह रहे हैं भ्रष्टाचार के ऊपर चुनाव होगा, इसलिए क्योंकि हम दिल्ली में जो हुआ था उससे हमारी सारी साइकोलॉजी अब बदल गई है कि भ्रष्टाचार। आपको मैं याद दिलाऊंगा, आपको याद होगा 1989 में वीपी सिंह, उसका भी यही मुद्दा था कि भ्रष्टाचार को हटाना है, हिंदुस्तान में बहुत भ्रष्टाचार है और सारे जो नेता हैं वो सब करप्ट हैं, और वही सिर्फ थे जो करप्ट नहीं थे। अब मेरे ख्याल वो कहानी थोड़ी अब खत्म होने लगी है। ये नहीं मतलब कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया, ये भी नहीं कि भ्रष्टाचार कम हो गया, मगर अब लोग देख रहे हैं कि देखो अगले 5 साल के लिए इस मुद्दे पर चल सकते हैं कि नहीं चल सकते, तो इसलिए महंगाई आ गई। और ये जो आपने अभी भी पढ़ा कि सेटिस्फैक्शन ये यूपीए से 75% 75%, ये तो काफी हाई है। 57 मैंने उल्टा कहा, तो ये काफी बड़ा नंबर है। और ये सारी दिल्ली में भी हमने ये देखा था, और जहां पे भी चुनाव हुए हैं, चाहे ये अपना छत्तीसगढ़ में हुआ या राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, गुस्सा जो आप पहले कह रहे थे ना कि फेड अप है, ये सारी जगह फेड अप है। तो ये जो यूपीए का 10 साल का है वो उससे सारे लोग एकदम तंग आ गए हैं, कोई भी ठीक बात नहीं हुई। पहले 5 साल में ठीक बात हुई थी, तभी उन्होंने 2009 में चुनाव जीत लिया था बड़ी आसानी से। अब पिछले 5 साल में तो काफी सारे लोगों को बड़ी बड़ी तकलीफें हुई हैं। मैं आप जो कह रहे हैं कुछ जोड़ना चाहता हूं, और कुमार जी जो बोल, देखिए जब लोग चुनाव में जाते हैं वोट देते हैं, बहुत सारे कारण हैं। एक कारण मैंने वोटर्स का जो जिसके ऊपर जो असर पड़ते हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जो अभी सुरजीत जी कह रहे हैं, भ्रष्टाचार 1989 में, इससे पहले 77 साल क्या मूड है परंजय? एग्जैक्टली, इस वक्त क्या मूड है? मेरा मूड ये है कि जो प्रतिष्ठान और जो सत्ता विरोधी जो माहौल है, क्यों? पहला है महंगाई, क्योंकि पिछले 6 साल में जिस रफ्तार से खाद्यान्न का दाम बढ़ा, भारतवर्ष का इतिहास में कभी इस रफ्तार से लगातार
महंगाई बढ़ाने में राज्य सरकारों का भी उतना ही रोल है। एक मिनट, बाद में आ रहा हूं, किसका भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरा कह रखा है ना, महंगाई के ऊपर ये आया है भ्रष्टाचार कम होता, तो जो माहौल है लोग का, जो 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 दुख है, जो जो राग है, जो जो, जो एकदम समस्या, जो आक्रोश है, ये हम देख रहे हैं पूरा भारतवर्ष में। दूसरा बात जो अभी कुमार जी जो कहा, देखिए लोग एक अच्छे आदमी को वोट देंगे, एक खराब आदमी को वोट देंगे। राजनीति में ये अच्छा खराब सफेद काला की बात नहीं होता है, जो अंग्रेजी में कौन जो भूरा रंग होता है ना, अलग अलग भूरा रंग होता है, हु इज द लेसर इविल, जो कम भ्रष्ट है। जो तो मेरा कहना है कि लोग हमारे देश के जो बहुत समझदार है, वो समझते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए तमिलनाडु में लोग कहते हैं कि डीएमके एडीएमके दोनों ही भ्रष्ट है, फिर एआईडीएमके क्यों ऐसे जीता, क्योंकि लोग डीएमके का सरकार का खिलाफ वोट किया। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कमस्टांसेस एंड आई एम सेइंग जो आपको यू हैव टू टेक अ मोर, ये जटिल है, ये लोग क्यों वोट देते हैं। महंगाई के ऊपर आपके एक बात करना चाहता हूं कि जो भी ओपिनियन पोल हिंदुस्तान में हुआ है पिछले 30 सालों में, आप भी जानते होंगे काफी, जहां पे भी मर्जी किया हो, महंगाई सबसे इंपॉर्टेंट इशू है। मगर महंगाई कभी नहीं, जो आप ठीक कह रहे हैं, पिछले 6 साल में जो महंगाई हुई है हमने कभी नहीं देखी, तो इसलिए इस टाइम इस वक्त महंगाई बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। जी आइए एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त है, एक और चीज, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये स्टेट गवर्नमेंट को आप महंगाई के लिए पीछे नहीं पड़ सकते, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का छोटा ही मुद्दा, ये मेरा हार्ड ब्रेक है। नहीं, एक छोटा ही मुद्दा है, 2004 से लेकर 2014 तक जितनी महंगाई हमने देखी पर्टिकुलर इलास्टिक सीयर्स में, ये सच है, लेकिन ये क्यों नहीं सर्वे बताता है कि 2004 में फैमिली इनकम लोगों का क्या था और 2014 में क्या है। 2004 में आप कार खरीद नहीं सकते थे, अभी आप दो दो कार खरीद रहे हैं। 2004 में आपको एंड्रॉइड नहीं अवेलेबल नहीं था, अभी दो दो एंड्रॉइड लगे लोगों में। जो महंगाई के खिलाफ ज्यादा बोल रहे हैं संजय, महंगाई 2009 में कांग्रेस की वोट्स, कांग्रेस की सीट्स 145 से 209 गई हैं, तभी तो लोग खुश थे। नहीं, वो 2009 में, लेकिन 2009 से लेकर 2014 की बात हम जब कर रहे हैं, तो 2009 और 2014 आपका सवाल बड़ा वैलिड है, फैमिली इनकम इतना बड़ा है, सवाल वैलिड है। आइए इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि इसके एक्सपर्ट बैठे हुए हैं हमारे साथ। कमीशन पूरा इंप्लीमेंट हो गया है, माफ करिएगा, छोटा सा ब्रेक लेंगे इस वक्त इस खास कार्यक्रम में, वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको ये बता दें कि असली नंबर जो है वो हम आपको बताएंगे इस तुरंत ब्रेक से लौट करके, कि महाराष्ट्र में किसको कितने वोट और किसको कितनी सीटें मिलने का अनुमान सीएसडीएस का ये सर्वे लगा रहा है। छोटा सा ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप हमारी खास पेशकश, अगर अभी चुनाव हो तो, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की जनता की क्या राय है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आईबीएन 7 के लिए सीएसडीएस के सर्वे में महाराष्ट्र में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। महाराष्ट्र में यहां पर 48 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस और एनसीपी को 16 से 22 सीटें मिलने का अनुमान हमको दिखता है। आप बीच का आंकड़ा अपने मन में 19 का नंबर रख सकते हैं। बीजेपी और शिवसेना को 23 से 29 सीटें, इसमें रामदास अठावले की भी पार्टी शामिल है, 23 से 29 यानी कि 26 है बीच का नंबर। अन्य पार्टियों को 1 से 5 सीटें मिल सकती हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि वोट शेयर क्या रहेगा यहां पर। महाराष्ट्र को कितना वोट, महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी को 36% वोट मिल सकते हैं, बीजेपी शिवसेना आरपीआई को 42% के वोट का आंकड़ा यहां पर हमको दिखलाई पड़ता है। जनवरी के मुकाबले थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी आंकड़ा बहुत बड़ा है। फिर से एक बार रिपीट कर दें, 26 से 29 सीटें मिलती हुई दिखती हैं एनडीए को 42% वोट शेयर के साथ। संजय जी, कोई क्विक कमेंट इस पे आपका? देखिए, साफ तौर पे हमें 2009 की जो चुनाव थे उससे तुलना करनी चाहिए, और उसकी तुलना के हिसाब से अगर हम देखें तो एनडीए 7% की बढ़त बना रही है वोटों के मामले में, और जो यूओ 3% गिरती हुई दिखाई पड़ रही है, और ये फासला जो है तकरीबन
6% का फासला दोनों के बीच में है, तो ये 6% का फासला, लेकिन ये इवन नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में इवन नहीं है। हमें पता है कि महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में इन पार्टियों की अलग अलग पैठ है, इस कारण से ये जो सीटों का आकलन हम जो देख रहे हैं, एनडीए को काफी बढ़त दिखाई पड़ रही है 2009 की तुलना में, और जो यूपीए जो है उसको नुकसान दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उतना नहीं जितना शायद हम अन्य राज्यों में अपेक्षा कर रहे हैं, उतना नुकसान नहीं होता। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये आपका जो आप देख रहे हैं 4-5% जो वोट, इसको ज्यादा नुकसान किसको मिला? ये कांग्रेस को वैसे भी एक सत्ता विरोधी एक माहौल है, तो कांग्रेस तो वैसे भी कमजोर हो रहा है और साथ साथ एनसीपी भी हो रहा है, मगर ये दिल्ली में जो हुई थी यही की होने वाले है कि बीजेपी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे आपके वोट, आपका क्या लग रहा है महाराष्ट्र के बारे में? क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत सारे शहरी इलाका है, मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपुर, और सब लोग कह रहे हैं कि आपका अगर कहीं असर है तो ये सब मध्य वर्ग के लोग शहरी इलाका में हो सकते हैं, तो इसके विषय शायद आपको देखिए अभी अनुमान तो यही है कि आप जहां जहां बढ़ रही है सबसे पहले वो जो शहरी इलाके हैं, शहरी मतदाताओं में उनका उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं सर्वेक्षणों के आधार पर, हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी की अगर को अगर बढ़त बनानी है कांग्रेस के ऊपर 2009 की तुलना में, तो उन्होंने शहरी इलाकों में बहुत अच्छा करना होगा। इस हिसाब से अगर देखें तो आप जो है ज्यादातर बीजेपी को नुकसान करती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन एक और बात है जो पुराने सर्वे से हमें दिखाई पड़े, एक्चुअली बीजेपी सिर्फ शहरी इलाकों में नहीं बढ़ रही है, अगर आप देखेंगे तुलनात्मक दृष्टिकोण से बीजेपी ग्रामीण इलाकों में बड़ी तेजी से बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, पिछले 2-3 सर्वेक्षणों से हमने ये देखा। जी कुमार साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो आपका जिक्र किया परमजीव ठाकुरता ने, आपकी असेसमेंट क्या है कि आप कितना कामयाब होगा शहरी इलाकों में? आप ऐसा नहीं कह सकते कि कितने सीट जीतेंगे, लेकिन वो कितने सीट हराने की आप जो एफर्ट होगा उनका वो बहुत बड़ा होगा। अच्छा, जैसे कि शहर में मुंबई में वैसे भी एक्सेप्ट लोकसभा एंटी कांग्रेस मूड तो है, एंटी एनसीपी मूड है, लेकिन फिर भी लास्ट टाइम 5 सीटें आई थी कांग्रेस की, क्योंकि स्प्लिट वोट था, ये माहौल अभी भी है। अभी आपकी तरफ जो लोग जा रहे हैं वो सिर्फ मध्यम वर्ग के नहीं है, कामगार वर्ग के भी है, क्योंकि उनको लगता है कि उनको फंसाया गया है, सिर्फ भ्रष्टाचार से नहीं, उनको लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी या कांग्रेस और बीजेपी शिवसेना, कांग्रेस एनसीपी, ये सब लोगों ने एक ही टाइप का पॉलिटिक्स उनको दिया है, एक ही टाइप का इकोनॉमिक डील दिया है, एक ही टाइप का वेज इंक्रीज, वेज डिक्रीज, रिट्रेंचमेंट, ये सब जो हुआ है मुंबई में और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज है और उसमें बहुत सारी रिट्रेंचमेंट हुई है, बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, तो उनको लगता है ये दोनों से कोई फायदा नहीं है, हम दूसरा ट्राई करेंगे। इसका मतलब ये सोच नहीं रहे कि इनका गवर्नेंस कैसा होगा, वहां तो केजरीवाल ने रेसिग्नेशन दे दिया, ये सब सवाल इंटेलेक्चुअल सवाल उनके लिए लगते हैं, उनको लगता है कि ठीक है कुछ भी हो लेकिन हमको ये दोनों नहीं चाहिए। ये मूड अभी शहरों में जितना है उससे गांवों में कम है, लेकिन गांव में भी इतना कम नहीं है कि उसका इम्पैक्ट नहीं होगा, उसका इम्पैक्ट कांग्रेस को हराने को होगा और बीजेपी को हराने को होगा, और उसका फायदा किसको होगा उसमें से ये नहीं बता सकते, लेकिन आप इज लाइक अ जोकर इन अ कैट एंड परहैप्स इफ यू हैव मेनी जोकर्स इन व्हाट हैपेंड। देखिए दिल्ली में जो कुछ हुआ वो बहुत स्पष्ट है कि जो वोट आपको गया वो बीजेपी को जाना था, वो आप वाले ले गए। आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में ऐसा स्पष्ट नहीं है? नहीं नहीं, क्योंकि आप जो वोट लेगी किसको जाएगा? क्योंकि बीजेपी और सेना के बारे में क्रेडिबिलिटी नहीं है, बीजेपी और सेना के बारे में क्रेडिबिलिटी बढ़ी नहीं है और कांग्रेस और एनसीपी की क्रेडिबिलिटी गिरी है। अभी ये अलग से सवाल है कि एक अलायंस की क्रेडिबिलिटी गिरी है लेकिन दूसरी अलायंस की क्रेडिबिलिटी बढ़ी नहीं है, तो लोगों को लगता है इस सिचुएशन में ये आप ऑल्टरनेटिव अच्छा है, लेकिन आपको इतने वोट नहीं मिल रहे कि उनका कैंडिडेट पूरा कर आ जाएगा। जो सर्वे कह रहा है वो कह रहा है कि 26 सीटों का हम मानकर चले, बीजेपी और शिवसेना 26 का मानकर चले, 48 सीटें कुल हैं, ठीक है ना, तो 24-25 अगर आ गई सरकार बनती, यानी इस सर्वे के मुताबिक सरकार बन रही है। आप जो है स्थिति में है क्या कि ये इस आंकड़े को फेरबदल कर दे इसमें? हाँ, थोड़ा फेरबदल हो सकता है, मतलब ये आंकड़ों से ऐसा लगता है 19 और 26 अपने दिए हैं, 19 दिए यूपीए को और 26 दिए हैं अपने एनडीए को, तो इसमें से शायद ये 19 का 21 भी कांग्रेस का हो सकता है और बीजेपी का 26 से 24 हो सकता है, या बीजेपी का 26 एनडीए का 26 से 28 तक जा सकता है और कांग्रेस का 17 हो सकता है, लेकिन ये ज्यादातर फर्क कितने सीटों पे रहेगा, मतलब गिराने का या जिताने का, ये फर्क ज्यादातर 4-5 सीटों पे रहेगा, लेकिन हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका इम्पैक्ट जरूर रहेगा। इसमें से जो कांग्रेस के लिए एक बड़ी कहानी है वो मैं आपके सामने रखता हूं, उस पर आप दोनों रिएक्ट करिएगा, फिर आप अपनी बात पूछिएगा। भल्ला साहब, मेरा सवाल यह है
कि भागते भूत की लंगोटी भली एक कहावत है। महाराष्ट्र अकेला राज्य है जहां कांग्रेस सफाई के बजाय थोड़ा कमजोरी के साथ किसी तरीके से जान बचाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस और एनसीपी का अलायंस। ये थ्योरी सही है? अगर वोट्स को देखें तो मेरे को लगता है थ्योरी सही नहीं है, क्योंकि पहले भी आपने एक आंकड़े दिए थे कि डिससेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा है उनसे। मगर मैं जो पहले आप बात कर रहे थे कि शिवसेना की थोड़ी वोट बढ़ गई है और क्या कहते हैं बीजेपी की इतनी बड़ी नहीं है, और अगर आप देखें 2009 से तो आपका इफेक्ट ये है कि शिवसेना का वोट शेयर 17% से 11% है, गिरा है। तो आपका इन्फ्लुएंस ये हो रहा है कि शिवसेना के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ नहीं हो रहा, बीजेपी की 18 से 29 11% बढ़ गई है। तो आपका अगर इन्फ्लुएंस ये है कि वही जो भ्रष्टाचार या गवर्नेंस वगैरह जो आप पहले कह रहे थे, तो वो मेरे को लगता है शिवसेना की तरफ ज्यादा है कि शिवसेना के खिलाफ ज्यादा है, आप बीजेपी के खिलाफ नहीं ज्यादा। तो अगर ये थोड़ा और बढ़ जाए जी, तो अगर बीजेपी एक ने 11% तो ले लिया है अब तक, और अगर 4-5% और ले ले तो सारी कहानी महाराष्ट्र की बदल सकती है। एंटी बीजेपी वोट तो एमएनएस भी ले रही है। एक भी एक चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, आप देखिए वोट शेयर देखिए, और ये लोग आश्चर्य हो जाते हैं क्योंकि हमारे देश में फर्स्ट पास द पोस्ट और विनर टेक्स ऑल। देखिए 2004 का लोकसभा चुनाव और 2009 का अगर लोकसभा चुनाव के साथ हम तुलना करेंगे, महाराष्ट्र में कांग्रेस का वोट शेयर कम हो गया था। 2004 में 23.77 था और 13 उनके सांसद थे, वो 4 बढ़ गया 17, मगर वोट शेयर कम हो गया 19.61। और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के अभी देखिए महाराष्ट्र में 13 से 9, ये 4 इट्स लाइक -4, और उनका वोट शेयर 22.61 से 18.17 हो गया, लेकिन सीटें फिर भी। आइए एक 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 नई चीज और देखें, क्योंकि आप पर चर्चा ज्यादा हो रही है लेकिन महाराष्ट्र में मनसे फैक्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते, और अभी उन्होंने टोल बूथ वाला एक आंदोलन चलाया था। एमएनएस के टोल बूथ आंदोलन पर महाराष्ट्र के लोग क्या सोचते हैं, ये चौंकाने वाला नतीजा है। इसका रिजल्ट देखिए आप, बिल्कुल गलत मानने वाले लोग 32% हैं, कारण नहीं तरीका गलत ये 50% लोग मानते हैं कि जो मुद्दा है वो सही है, तरीका कैसा भी हो मुद्दे के सपोर्ट में है टोल एजिटेशन के मामले में। एक बार मैं यहां साफ कर दूं, ये नॉर्थ मुंबई में 51% इसके बिल्कुल गलत मानते हैं, और 32% और 35% जो है वो पूरे महाराष्ट्र से है जो इसको बिल्कुल गलत मानते हैं। 35% कारण सही तरीका गलत मानते हैं, 8% कारण ही गलत मानते हैं बिल्कुल, और 22% लोग कोई राय नहीं रखते। 22% बहुत बड़ी फिगर है। तो इसको सही मानने वाले लोग 35% अगर है विनोद जी, तो प्रश्न ये है केतकर साहब, भल्ला साहब और परंजय तीनों के लिए, कि हम कहते हैं पॉपुलिज्म नहीं चलता, यहां तो चलता हुआ दिख रहा है बिल्कुल। दूसरी बात ये वो मैं इनसे पूछूंगा, राजस्थान में नहीं चला। अब एमएनएस ने टोल बूथ किया वहां पे, यहां पे धरना किया और काफी कुछ और किया, तो ये सवाल उठता है कि आप और एमएनएस में क्या फर्क है। अगर आप जाने कि ये आपने पहले ये भी कहा था कि दिल्ली के स्टूडेंट्स जो हैं उनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रही है, तो हम दिल्ली की यूनिवर्सिटी एडमिशन सिर्फ दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए करेंगे। तो अगर आप देखें ये शिवसेना, एमएनएस और आप, इन तीनों के तरीके ज्यादातर एक ही है। नहीं 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 नहीं, ये बराबर नहीं, क्योंकि शिवसेना के बारे में जो लोग नाराज है वहां से ही फुटे हुए लोग एमएनएस में, उनके चेहरे लोगों को मालूम है, आपका उस तरह नहीं है। आपके चेहरे की इतनी पॉपुलैरिटी कैसे है कि ये जाके टोल बूथ के ऊपर वायलेंस करें। अब ये है आपका अहिंसा था, इनका अहिंसा था, वो मैं मानता हूं, मगर बाकी ये जो एमएनएस की तुलना नहीं हो सकती। एक मिनट, इसमें एक क्लेरिफिकेशन चाहिए जो संजय जी दे सकते हैं हमें। बिल्कुल गलत कहने वाले 35% लोग हैं, और कारण ही गलत है कहने वाले 8% लोग हैं, तो 43% लोग इसके खिलाफ हैं। 35% कह रहे हैं कि कारण सही है तरीका गलत है, मतलब 100% फेवर में हो और ये पॉपुलिस्ट हो ये मुझे कहीं नहीं दिख रहा। तो इसमें क्या फर्क है, 35% बिल्कुल गलत और 8% कारण ही गलत। 35% ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ये मुद्दा भी गलत था और जो तरीका है दोनों ही गलत है। 8% कारण ही गलत,
हाँ, और 8% जो कहते हैं वो कहते हैं कि कारण ही गलत है, तो 8 और आप 35 दोनों को जोड़ दें तो आपको वो लोग दिखाई पड़ेंगे जो कहेंगे जो इसके विरोध में है। 35% ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मुद्दा तो सही है, शायद तरीका सही है। संजय जी माफ करिएगा, आपका 22% डोंट नो में है, डोंट नो में है बिल्कुल। अभी कुछ इन नंबरों के कारण कुल पिक्चर महाराष्ट्र की क्या बन रही है, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आईबीएन 7 के लिए। सीएसडीएस के इस सर्वे में 10 बड़ी बातें सामने आई हैं, उनका जिक्र हम बाद में करेंगे। कुछ देर पहले संजय ने कहा था कि हमें अपने पोल पर गुमान, हम गुमान लफ्ज का इस्तेमाल संजय करेंगे, हमें कोई शक नहीं है, मैं ये कहूंगा, क्योंकि बड़ी बात यह है कि आज के दिन तमाम पोल एजेंसीज सवालों के दायरे में है, जबकि सीएसडीएस एक ऐसी एजेंसी है जिसके पीछे शिक्षाविद है, स्कॉलर्स है। इस सर्वे में 10 बड़ी बातें कौन सी सामने आई हैं, संजय आपको बताएंगे। जी, ये जो सर्वे है इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जनवरी और फरवरी में कुछ फर्क है जो कि चुनाव की इस बहस को गर्म बनाता है। जैसे कि मोदी लोकप्रियता में आगे हैं लेकिन आंकड़ा गिरा है, कांग्रेस एनसीपी का वोट 1% बढ़ा है, मनसे का वोट बढ़ा है, आम आदमी पार्टी का वोट घटा है, महाराष्ट्र सरकार के बारे में संतुष्टि थोड़ी बढ़ी है, यूपीए के बारे में संतुष्टि घनघोर है। यानी कि यहां पर कांग्रेस चाहे तो महाराष्ट्र में, जैसा मैंने शुरू में भी कहा था, कि सफाई के बजाय अपनी इज्जत बचाने वाली गेम में है, ऐसा दिखता है। अब हम चर्चा खोलते हैं सभी मेहमानों के लिए। केतकर साहब, मनसे की चर्चा कम हो रही है, लेकिन मनसे लोकसभा में कितना बड़ा फैक्टर है? मनसे लोकसभा में ज्यादा फैक्टर नहीं है, और वो जिस तरह आप गिराने में या जिताने में मदद करेंगे उसका भी उतना इफेक्ट नहीं है, क्योंकि मनसे क्या है, बी टीम ऑफ शिवसेना है, वही लुम्पेन क्लास है, जो उनका कोई रिस्पेक्टेड कोई हित संबंध नहीं है। शिवसेना है लेकिन सुपारी किससे लेती है, कांग्रेस है कि एनसीपी? शिवसेना भी सुपारी लेती है, तो मनसे भी सुपारी लेगी। किस पार्टी से? किस पार्टी? दोनों पार्टी से, तीन पार्टी से, चार पार्टी से। सबसे आप सुपारी देने के लायक नहीं, इसके लिए आपसे नहीं लेंगे, नहीं तो सबसे लेंगे। और लेकिन ये फर्क है कि मनसे और शिवसेना ये दोनों लुम्पेन पार्टीज है, उनको कोई ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, वेस्टेड इंटरेस्ट का स्ट्रक्चर लगता है कैपिटलिज्म में या सोशलिज्म में। कैपिटलिज्म का जो वेस्टेड स्ट्रक्चर है वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ है, बीजेपी के साथ भी नहीं है महाराष्ट्र में। परंजयदा, बचे हुए वक्त में कांग्रेस ग्राउंड रीगेन कर सकती है क्या? हाँ, संभव है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। मगर सुरजीत जी जो कहा, वो आम आदमी का दिल्ली में सो कॉल्ड पॉपुलिज्म के साथ जब शिवसेना और मनसे का तुलना करता है, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अभी अभी जैसे कुमार जी कहा, एक तो लुम्पेन एलिमेंट है, हाँ बहुत सारे मुद्दा उठाया आप, उसमें एक भी कहा कि हाँ दिल्ली के लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में जाना चाहिए, मगर मनसा और शिवसेना जो बहुत सालों से बाहर के लोग टैक्सी नहीं चलाएंगे मुंबई में, एक तरह से नैरो पैरोकिलिज्म जो हमने देखा, आपके साथ ये पॉपुलिज्म नहीं है, एक पैरोकिलिज्म कह सकते हैं ये, मैं तुलना मैं समझता हूं। नहीं, एकदम करेक्ट, बिल्कुल। सुरजीत भल्ला साहब, और आपने पैरोकिलिज्म नहीं किया है? अगर पांजवा ये कह रहा था उससे मैं सहमत नहीं हूं। नहीं, देखिए, आपसे ये उम्मीद, अगर चुनाव का अगर देखें तो आप कह रहे हैं कि ये इसमें इज्जत बचाने वाली बात कांग्रेस की जरूर है, मगर 3-4% अगर और शिफ्ट हो तो ये भी कोई 2/3-1/3 का मामला हो सकता है। अगर यही देखें, यही जो आप देख के 3-4%, उसके बाद सारा कुछ 10-11 सीटें। बिल्कुल, मूल बात यह संजय जी, ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस यहां लड़ाई में है। बिल्कुल, मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस लड़ाई में है, और जैसा भल्ला साहब कह रहे थे कि लेकिन बिल्कुल एज पे है, 2% नीचे गिरते ही लड़ाई से बाहर, 1% ऊपर जाते ही और एक तिहाई दो तिहाई का समाप्त बन सकता है। महिलाएं और दलित और मुस्लिम, ये जो गठ है, उनमें आपको कोई फर्क दिखता है अपने सर्वे में? महिलाओं पर चर्चा की जाएगी सर, हार्ड ब्रेक में हमारे प्रोड्यूसर का आदेश है कि बिल्कुल चर्चा महाराष्ट्र पर समाप्त। आईबीएन 7 की इस खास पेशकश, अगर अभी चुनाव हो तो मैं, वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे दिल्ली की जनता इस वक्त क्या सोचती है, क्या दिल्ली में आपका जादू कायम है, और आप पार्टी का पूरे देश में ये कितना बड़ा फैक्टर हो सकती है। छोटा सा